हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजलक्ष्मी। मेरे यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। आज एक मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ, ये बच्चे के ऊपर है। बच्चा लिखना नहीं चाहता है, उनका हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो आप कैसे उसको इंटरेस्ट बढ़ाए कि वो लिखे, उसका हैंडराइटिंग कैसे चेंज होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ बच्चे का क्या होता है। कभी कभी उनका मन नहीं होता है लिखने का और हैंडराइटिंग भी बहुत गंदा होता है। उनका हाथ का जो मूविंग होता है, कुछ होता है, उनका दर्द होता है, वो बता नहीं पाते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको तो उंगली का एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत हमको भी ध्यान देना। हम पेरेंट को ये लगता है कि बच्चा लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये नहीं है। बच्चा लिखना चाहते हैं, उनका हाथ बहुत जल्दी थक जाता है, तो इसी वजह से कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बेटा यहाँ पर लिख रहा है कुछ। तो यहाँ पर मैंने बेटे को दिया हूँ लिखने के लिए दो काव का ऐसे, तो काव का जो आत्मा कहानी होता है उसको लिखने के लिए दिया हूँ। और इसको इंटरेस्ट कैसे होगा मैं बता देती हूँ। तो इसको इंटरेस्ट इसमें हो, बच्चे को जिसमें लिखने में इंटरेस्ट हो, जैसे आपको हमेशा हम उनको पेंसिल पकड़ा देते हैं, उनको मन नहीं होता है कुछ कुछ बच्चे को शायद, लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है पेन और कॉपी देखने उनका लिखने का मन शुरू हो जाता है। तो आप कुछ भी दीजिए वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बेटे को मैंने पेन दिया हूँ लिखने के लिए और एक कॉपी दे दी हूँ कि आपको मर्जी है जो लिखना है लिखो, लेकिन बहुत खुशी से वो लिख रहा है और दो काव का ऐसे लिख रहा है। दो काव का ऐसे आप देख सकते हैं, हैंडराइटिंग इतना मतलब बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा जब कोशिश करता है ना, आप उसको एकदम पूरा फोर्स मत कीजिएगा, अपने हिसाब से उसको कोशिश करने दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा बेटा कोशिश कर रहा है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ लिख रहा है। तो काव का ऐसे बहुत सुंदर से लिखा था, लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा था। हैंडराइटिंग को चेंज करने के लिए आपको क्या करेंगे, बच्चे को जब भी टाइम मिलता है आपको उसको लिखने के लिए कुछ दे दीजिए। स्कूल और ट्यूशन से जब आता है उसको कुछ ना कुछ आपको पढ़ने पढ़ाने बैठेंगे, उसको कुछ कुछ लिखने के लिए आप दे सकते हैं। जैसे मेरे बेटा लिख रहा है दो काव का ऐसे, क्योंकि आज छुट्टी है, तो छुट्टी में घर में रहता है तो पढ़ाई पढ़ाई तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना उसको लिखने के लिए मन थोड़ा इंटरेस्ट इसी वजह से हुआ है कि उसके हाथ में पेन है तो कॉपी है, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखता रहता है। जैसे बच्चे सोने से पहले आपको पढ़ने के बाद भी उनका मन होता है कुछ लिखने का, तो मैं क्या करती हूँ बच्चे सोने से पहले आपको उनको बोलिए कि आपका मर्जी में जो भी आए, दिन भर क्या किया आपने वो लिखिए। तो मेरा बेटा तो रात में ही सोने से पहले ये करके सोता है कभी कभार, हर रोज़ तो नहीं कर पाता है। तो मैं इसका वीडियो भी आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखते हैं मेरा बेटा तो ऐसे इसका कंप्लीट हो चुका है। इसका हैंडराइटिंग ऐसे लिखने में क्या होता है, हर रोज़ देंगे तो उसका हैंडराइटिंग थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, उसका स्पीड भी बढ़ेगा और उनका मन भी होगा पढ़ने के लिए। तो आप उसको इंटरेस्ट दीजिए कि अब ये करो कि वो करो, कि मतलब जैसे कॉपी ले लो बैठो कुछ लिखो। अब देख सकते हाथ का मूविंग उसका कैसे हो रहा है, उसका दर्द हो रहा है, बोल रहा है, लेकिन उसका क्या होता है ना मन है, तो जहाँ पे मन लग जाता है वहाँ पे दर्द होता तो पता नहीं चलता है। बच्चे को ज़्यादा लिखाने से उनका हाथ थोड़ा ऐसे पेन करता है, सख्त होता है, बच्चा तो बच्चा है तो सबका थोड़ी बहुत रहता है पेन, और ज़्यादा लिखने में ज़्यादा काम करने में जो भी हो, जो जो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो बच्चे को जब मन हो लिखने का तो आप क्या करें, उसको ऐसे ही पकड़ के दे सकते हैं कि उसका मन हो कुछ लिखने का। तो अब देख सकते हैं मेरे बच्चा कैसे लिख रहा है। तो आपका बच्चा का मूविंग देखिए, उसका कौन सा चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से आपको पेरेंट को सोच के उसी हिसाब से इसको करना पड़ेगा। देखो पढ़ाई में सब जैसे होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कहीं के बच्चा डाउन भी हो जाते, कहीं ऊपर आ जाते। जो बच्चा तो अच्छे हैं तो लिखने में पढ़ने में सब अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कुछ चीज़ में कमज़ोर हो जाते, तो उसको हमको देखना होगा ये चीज़ में कमज़ोर हो तो हमको कैसे उसको ऊपर लेके जाना होगा। तो इसी वजह से आप उसको ध्यान दीजिए, उसको इंटरेस्ट कैसे बढ़ाना है आप देख सकते हैं, और लिखने का मन ऑटोमेटिक हो जाएगा, पढ़ने का मन ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसको इंटरेस्ट दीजिए। और बच्चे को हमेशा स्ट्रीट या कुछ गाली गलौज करने से वो कुछ नहीं होता है, वो ज़्यादा डर जाते हैं, और जो भी पढ़ाई आप बोलते हैं याद नहीं रखता है वो भी भूल जाते हैं जो भी याद रखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे बेटा कैसे ने लिख दिया, उसको इंटरेस्ट हुआ। तो आप भी आपके बच्चे के साथ यही ट्राई कीजिए, देखिए आपका बच्चा हैंडराइटिंग सुधर जाएगा, पढ़ने का मन भी करेगा। तो आगे देखिए, तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और
शेयर करना भी ना भूले, क्योंकि इसी तरह बच्चे बहुत है तो इनको भी ये वीडियो बहुत ज़रूरत होगा। तो ये थोड़ा सा मदद मैं कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग को सुन के मेरा बात, ये वीडियो देखकर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ा शेयर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए।